नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर ठगने के मामले में तीन युवाओं को पहाड़ी जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा कमीशन बेसिस पर पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर ठगने के मामले में तीन युवाओं को बाहरी जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले, उनकी पहचान 21 वर्षीय प्रिंस, 21 वर्षीय बलतेज और 29 वर्षीय सूरज सोनी के रूप में हुई है। अब तक की पुलिस की जाँच के अनुसार तीनों आरोपियों ने अपने बैंक खाते दूसरे किसी को पैसे के बदले दिए थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक चेकबुक, दो मोबाइल फोन और एक डेबिट कार्ड बरामद किया है। बाहरी जिला के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि विकास नगर के एक शख्स ने साइबर थाना में शिकायत दी थी कि उसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पार्ट टाइम जॉब का प्रस्ताव मिला था। अनजान शख्स द्वारा भेजे मैसेज में बताया गया था कि एक खास वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोडक्ट खरीद कर वह पैसे कमा सकता है। पीड़ित को झांसा दिया गया था कि वह वेबसाइट के खाते से कुछ पैसे डालकर अपने बैंक खाते में कमीशन निकाल सकता है, क्योंकि वह खाता फ्रीज हो गया है और उसमें कुछ राशि डालकर इसे डी फ्रीज किया जा सकता है। पीड़ित इसके झांसे में आ गया और कई बार के ट्रांजैक्शन में उसने 1,39,000 रुपए गंवा दिए। शिकायत में पुलिस ने जाँच शुरू की और उसमें प्रिंस का बैंक खाता सामने आया जिसमें 5,000 रुपए जमा हुए थे। इसके बाद पहले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अन्य दो आरोपियों को भी हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी सूरज सोनी ने आगे खुलासा किया कि हरियाणा के सिरसा के घुक्कनवाली और कालावाली इलाके में पिछले 8-9 महीने से बैंक खाता खुलवाकर पैसे के बदले बेचने की संस्कृति चल रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।